लोकसभा में अध्यादेश पास होते ही केजरीवाल का फूट पड़ा गुस्सा, फिर बीजेपी और मोदी की लगाई जमकर क्लास। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश पास होते ही अरविंद केजरीवाल का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल लोकसभा में अमित शाह ने केजरीवाल के ऊपर कई करारे हमले किए थे, साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को राज्य बनाने की मांग कर रही है, लेकिन उन्हें शायद नहीं पता कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और केजरीवाल जिस बाबा साहेब अम्बेडकर का बात करते हैं, वो बाबा साहेब अम्बेडकर भी चाहते थे कि दिल्ली पूर्ण राज्य न बने। इस पर अब केजरीवाल का भी पलटवार आया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, हर बार बीजेपी ने वादा किया कि दिल्ली को पूर्ण राष्ट्र का दर्जा देंगे। 2014 में मोदी जी ने खुद कहा था कि प्रधानमंत्री बनने पर दिल्ली को पूर्ण राष्ट्र का दर्जा देंगे, लेकिन आज इन लोगों ने दिल्ली वालों के पीठ पर छुरा भोंक दिया। आगे से मोदी जी की बातों पर विश्वास मत करना। जी हां, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी का 2013 का एक ट्वीट भी साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कुछ चीजें जो आपने बीजेपी के मैनिफेस्टो से कॉपी करी है, फुल स्टेटहुड ऑफ दिल्ली और दूसरा दिल्ली पुलिस अंडर स्टेट गवर्नमेंट। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की खबर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए न्यूज रूम से अमन बड़ियार की रिपोर्ट।